टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में एक वृद्ध की ताबड़तोड़ गोली मारकर सिर्फ इसलिए निर्मम हत्या कर दी गई क्योंकि उसके बेटे ने दूसरी जाति की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था। इस गोलीकांड में मृतक के परिजनों ने लड़की के पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं इस गोलीकांड से परिवार में दहशत का माहौल है। पूरी घटना बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र कालिंदी कुंज की है, जहां एक वृद्ध को बाइक सवार दो बदमाशों ने एक के बाद एक करीब चार गोलियां मारी। घटना में घायल हुए वृद्ध को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। घटना स्थल पर पहुंचे एसएसपी ने मृतक की पत्नी से पूछताछ की तो बताया कि चार व्यक्ति बाइक पर सवार होकर उसके घर के पास आए और घर के बाहर खड़े उसके पति को गोलियों से भून डाला। इतना ही नहीं, बदमाशों ने वृद्ध को उठाकर घर से थोड़ी दूर झाड़ियों में फेंक दिया और आरोपी मौके से फरार हो गए। आगे बताइए, मार के सीधे भाग गया। बिपिन आपका भाई है, उसने शादी की है, शादी की है कोर्ट में उसकी लड़की थे। बाबूजी ऐसा है, वो जबरदस्ती चलो ठीक है, शादी करिए, कोई पाप तो ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दुनिया कानून की तरफ से वो ढेर है। चलो हम वाल्मीकि है, वो ढेर है, वो ज्यादा ऊँचे मान लो। चलो खुदा ना खास्ता मेरे बच्चा के साथ रहे, किसी और के साथ भाग जाए। मारने तो भैया को आए थे, मेरे बच्चे निकलने ना दे रहे भैया को, मेरे भैया छत पे, मेरे घर पे आए, उसका बाप आया मेरे घर पे, मैंने कही भाई साहब अपनी बेटी को रोको, तुम्हारा पूरा खानदान रोक रहा, तब भी नहीं रुकनी, कहीं ना कहीं से कभी इस लड़की पे फोन कर रही है, कभी मुझ पे फोन कर दी थी। मैं आऊंगी दीदी इसी घर पे, मैं दीदी आऊंगी, मेरे भी उससे हाथ जोड़े, उसके पैर छू, बेटा मेरा एक लाल है, तू मेरे घर पे मत आ, तो कु तेरे आदमी ना मिले, तेरे पति आदमी भाई भाई, उसकी माँ का भी फोन आया आज, आज इतने प्यार से मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके बेटे ने पिछले महीने दूसरी जाति की लड़की से प्रेम विवाह किया था, जिससे नाराज लड़की का पिता और भाई अपने दामाद को मारने उसके घर पहुंचे। मृतक की पत्नी ने बताया कि जब लड़का आरोपी को नहीं दिखा तो उसने घर के बाहर खड़े वृद्ध को गोलियों से भून डाला। आनन फानन में परिजन वृद्ध को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अस्पताल में उपचार के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। ये नेत्रपाल, उम्र लगभग 65 वर्ष, जो सिंचाई विभाग में सुपरवाइजर का काम करते थे, रिटायर्ड पर्सन है, 65 साल के आसपास इनकी उम्र थी, और इनका एक बेटा है जिसका नाम विपिन है, जो ICICI बैंक हरियाणा में नौकरी करता है। उसने अभी पिछले महीने प्रेम विवाह किया था एक लड़की के साथ, लड़की भी 25 वर्ष की है, पढ़ी लिखी लड़की है, और 3 दिन पहले वो लड़की इनके घर आई है, घर वाले शादी के विरोध में थे, और आज शाम के समय लगभग 6:30 बजे के आसपास जो नेत्रपाल की बहू है, नई बहू जो घर में आई है, उसके पिता दामोदर, भाई आकाश, चाचा रामेश्वर दयाल और रणवीर सिंह, ये चार लोग घर पहुंचे हैं। जबकि आज दिन में एक दो बार इन लोगों ने फ़ोन किया था और कहा था कि हम शादी से सहमत हैं और अब कोई बात नहीं है, तो घर वालों को एक तरह से झांसा दे रहे थे। शाम को आने के बाद इन्होंने नेत्रपाल के ऊपर फायरिंग की है, जिससे नेत्रपाल गोली लगने से घायल हो गए, हॉस्पिटल ले जाए गए, जहां उनकी डेथ हो गई है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में मौके पर भ्रमण करने, परिवारजनों से बातचीत करने के बाद ये बात निकल के आई है कि चौकी प्रभारी संतोष मिश्रा और उस चौकी के सिपाही तेजवीर की भूमिका इस प्रकरण में ठीक नहीं थी। उन्हें पीड़ित परिवार ने यह जानकारी दी थी कि उनके साथ कोई हादसा हो सकता है, इसके बावजूद इनके स्तर से इसमें अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी की क्या भूमिका रही है, इस संबंध में अलग से जाँच SP अपराध की यहाँ कराई जा रही है। सर, शुरुआती जांच में पता चल सका है कितनी गोलियां चली गई हैं? लगभग 3 गोलियां लगने की बात बताई गई है, शेष चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्राप्त होंगी। फिलहाल हम अभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और इस पूरे प्रकरण में चौकी प्रभारी की शिथिल कार्यप्रणाली और उनके साथ जो कांस्टेबल रहता है तेजवीर, इसकी भूमिका अच्छी नहीं पाई गई, जिस कारण से इन्हें निलंबित करके जाँच।
एसएसपी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि परिजनों ने पहले भी इस मामले में तहसील चौकी इंचार्ज को अवगत कराया था, लेकिन चौकी इंचार्ज की लापरवाही से आज ये घटना कारित हो गई। एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज संतोष मिश्रा और एक सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि परिजनों की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। एसएसपी जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।